दोस्तों आईपीएल 2022 का 14वां मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाने वाला है, जहां मुंबई इंडियंस को एक जीत की तलाश है तो वहीं केकेआर ये मैच जीत कर पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंचना चाहेगी। तो वहीं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में भी काफी बड़ा बदलाव हुआ है, जहां मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव की वापसी हुई है तो वहीं केकेआर में पैट कमिंस की। तो ऐसे में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, कौन से स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाने वाला है, दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या, साथ में प्रेडिक्शन भी करने वाले कौन सी टीम मुकाबला जीतने वाली है। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। केकेआर की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह रहने वाली है। वेंकटेश अय्यर अजिंक्य रहाणे ओपन करने वाले हैं, 3 नंबर पर नीतीश राणा, 4 नंबर पर सुरेश अय्यर, 5 नंबर पर एंडरसन, 6 नंबर पर सैम बिलिंग, 7 नंबर पर टीम साउथी या फिर पैट कमिंस, 8 नंबर पर सुनील नारायण, 9 नंबर पर उमेश यादव, 10 नंबर पर शिवम्मा भी और 11वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती रहने वाले। वहीं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है, अनमोल प्रीत सिंह बाहर बैठने वाले और सूर्य कुमार यादव की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। तो ईशान किशन रोहित शर्मा ओपन करने वाले, 3 नंबर पर तिलक वर्मा, 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 5 नंबर पर टीम डेविड, 6 नंबर पर केरन पोलार्ड, 7 नंबर पर मुर्गन अश्विन, 8 नंबर पर डेनियल सैम, 9 नंबर पर ताइमल मिल, 10 नंबर पर जसप्रीत बुमराह और 11वें नंबर पर बसिल थम्पी रहने वाले। वहीं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में दो और बड़े चेंजेस हो सकते हैं, मुर्गन अश्विन की जगह मयंक मार्कंडे और डेनियल सैम्स की जगह फेबियन एलन को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। बाकी की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 यही रहने वाले, हालांकि एक दो बड़े चेंजेस और हो सकते हैं। अब बात करते हैं डेट एंड टाइमिंग की। तो आईपीएल 2022 का यह मुकाबला आज यानी कि 6 अप्रैल शाम को 7:30 बजे एमसीए स्टेडियम पुणे में खेला जाने वाला है। वहीं अगर हम दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक आईपीएल में 29 मुकाबले खेले गए और 29 मुकाबले में से मात्र 7 मुकाबला ही केकेआर जीत पाई है, जबकि 22 मुकाबला मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो मुंबई इंडियंस का पल्ला काफी ज्यादा भारी है, लेकिन आईपीएल 2022 में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में काफी बड़ा बदलाव हुआ है। अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो दोनों टीमें काफी ज्यादा मजबूत है, जहां टॉप ऑर्डर में केकेआर और मुंबई इंडियंस काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे, तो वही मिडल ऑर्डर में केकेआर काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे और लोअर ऑर्डर में भी मुंबई इंडियंस काफी ज्यादा मजबूत है। तो ये मुकाबला मुंबई इंडियंस जीत सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम में मुकाबला जीतेगी, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।